Mona has been working with Kino as a trainer for many, many years, almost 20 years. She's also working with Tony and Guy as a trainer for skincare. Mona, इतना सब कुछ कैसे manage करते हो? कभी कोई मुश्किल लगता है बच्चों और घर और सब चीज़ों के साथ, but like you said, जब passion होता है किसी चीज़ का तो फिर आप you find a way. मैंने फिर aesthetics का course भी किया हुआ है. This year I also did a microblading course. I love to learn and you're right. अगर मैं learn नहीं करूँगी तो बहुत monotonous हो जाएगा और आप उसी चीज में रहते हैं और आप इवॉल्व नहीं करते ना. एवरीवन वांट्स अ ब्यूटीफुल स्किन, लेकिन हमें पता नहीं होता. आई मीन वी डू सो मेनी मिस्टेक्स, वो जो कि फायदे की जगह हमें नुकसान दे रही होती हैं. कभी कभी हमें लगता है हमारी स्किन है ना तो हमें पता होगा कि कैसी है, लेकिन एक्चुअली नहीं. कभी कभी हमें अपनी स्किन को मिसजज कर जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि हमने उसको कैसे ट्रीट करना है. स्किन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोना, आई थिंक टू लुक ब्यूटीफुल, बिकॉज पहला इमेज आता है वो आपकी स्किन को ही ऊपर ही नजर जाती है. बिल्कुल. सो इट हैज टू बी यू नो वेरी क्लीन, वेरी क्लियर. दैट्स ट्रू. और जितनी अच्छी स्किन होगी उसके ऊपर आप मेकअप लगाएंगे तो और अच्छी लगेगी. और अच्छी. अगर स्किन अच्छी नहीं होगी तो ज़्यादा एफर्ट सिर्फ कंसील करने में लग जाता है. लोग वैसे तो लगा रहे हैं लेकिन कभी कभी गलत चीज़ों पर लगाते हैं. ऐसी चीज़ जो किसी ने रिकमेंड कर दी या एडवर्टीजमेंट देखी लेकिन उनकी स्किन के लिए नहीं है या उस वेदर के लिए सूटेबल नहीं है. एंड देन समटाइम्स हमें चीज़ों का इस्तेमाल करना भी नहीं आता. दुनिया का बेहतरीन ब्रांड ला के रख दें किसी के सामने लेकिन अगर इस्तेमाल नहीं करना आता तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है. Hi viewers, this is Nadia Sajed. We are very happy today क्योंकि आज से हम अपना नया एक segment start करना चाह रहे हैं about skin care, about beauty. So we just thought कि हम viewers के लिए एक अच्छा सा एक नया segment start करें जिसमें हम उनकी skin issues के बारे में जिक्र करें and then how to treat those issues. And we feel very lucky that Mona Gul is with us today, who is a beautician for the last many, many years, more than 2 decades she has been working. और ये बल्कि कॉलेज में पढ़ रही थी तब से शी हैड दिस पैशन फॉर स्किन केयर. तब से इन्होंने अपना ये ब्यूटी का कोर्सेस किए. शी टुक डिप्लोमास, शी वेंट टू पेरिस, शी लर्नड अ लॉट फ्रॉम देयर. और टीन एज के ज़माने से ये स्किन केयर के ऊपर काम कर रही हैं. एंड बात करते हैं मोना से. अस्सलाम वालेकुम मोना, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम नादिया, आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? आई एम गुड थैंक यू मोना. सो गुड टू हैव यू हेयर ऑन लिव वेल. एंड आई रियली होप के हमारे व्यूअर्स को बहुत फ़ायदा हो विद ऑल द टिप्स यू गिव अस. थैंक यू नादिया फॉर हैविंग मी ओवर. आई एम श्योर दे विल With you as a host, they will definitely get a lot of information. Thank you so much, Mona. Mona has been working with Kino as a trainer. Kino, जिनको नहीं पता उसके बारे में, it's a French brand which is very, very popular all over the world. उसके लिए she has been working, and she is also working with Tony and Guy as a trainer for skincare. मोना इतना सब कुछ कैसे मैनेज करते हो? कभी कभी मुश्किल लगता है. मुश्किल लगता है? कभी कभी मुश्किल लगता है बच्चों और घर और सब चीज़ों के साथ, बट लाइक यू सेड, जब पैशन होता है किसी चीज़ का तो फिर आप यू फाइंड अ वे. वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. शी हैज़ डन हर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बट शी ऑलवेज हैड दिस पैशन फॉर स्किन व्हिच ब्रॉट हर हियर. बट आई एम श्योर वो आपकी बिजनेस में और इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प आउट करती होगी. बहुत हेल्प आउट करती है बिकॉज उसमें हमने अकाउंटिंग पढ़ी होती है. यू लर्न हाउ टू डील विद मैनेजमेंट इश्यूज, एचआर, हाउ टू डील विद कस्टमर्स. हाउ टू डील विद कस्टमर्स, यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल बिल्कुल. सो मोना, सो फार लाइक कैसा जा रहा है? आरंट यू लाइक थोड़ा सा मोनोटोनस नहीं होगी? इतने सालों से एक ही काम चलाया जा रहा है. यहाँ पे स्किन केयर में नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, सो इट्स ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न. इट इज, एंड विच इज़ वाई लास्ट ईयर मैंने फिर एस्थेटिक्स का कोर्स भी किया हुआ है. And this year I also did a microblading course. अच्छा. Because I love to learn and you're right. अगर मैं learn नहीं करूँगी तो बहुत monotonous हो जाएगा और आप उसी चीज़ में रहते हैं और आप evolve नहीं करते ना. Yeah. So evolve करना बहुत important है. And yes, ये feel बहुत vast हो गई है. So there's always something or the other happening. So much to learn, so much to do. So it's अगर आप इसके बारे में passionate हैं तो it's a never ending field. It's a never ending field. Daily routine में इतनी ढेर सारी mistakes करते हैं. We want beautiful skin, no doubt about it. Everyone wants a beautiful skin. लेकिन हमें पता नहीं होता. I mean we do so many mistakes, वो जो कि फ़ायदे की जगह हमें नुकसान दे रही होती हैं. So we really hope, I really wish कि आपके थ्रू बहुत सी awareness आ सके. So अगर हम अपने time, energy और अपने पैसे लगा रहे हैं तो वो वेस्ट ना हो.
they should give us some good result. Because that's so true. Because for myself, for example, अगर मैं makeup कर रही होती हूँ, I want to constantly ask and see क्या कैसे करना है या grooming है. So ये वो चीज़ें हैं जो आपको सीखनी होती हैं. You want to know. और कभी कभी हमें लगता है हमारी स्किन है ना तो हमें पता होगा कि कैसी है, लेकिन एक्चुअली नहीं. कभी कभी हमें अपनी स्किन को मिसजज कर जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि हमने उसको कैसे ट्रीट करना है. सो व्हेन पीपल कम इन एंड व्हेन क्लाइंट्स कम इन, तो नॉट ओनली डू वी डू अ फेशियल फॉर देम, लेकिन हम उनको बताते हैं कि आपने होम केयर कैसे करना है और अपनी स्किन को कैसे मेंटेन करना है घर पर. क्योंकि लोग बहुत दफ़ा जैसे अपने बात की पैसे तो लगा रहे हैं, लेकिन कभी कभी गलत चीज़ों पर लगाते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ जो किसी ने रिकमेंड कर दी या एडवर्टीजमेंट देखी लेकिन उनकी स्किन के लिए नहीं है या उस वेदर के लिए सूटेबल नहीं है या हमारे एरिया के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमारा एरिया हॉट है और वो शायद कोल्ड के लिए, ठंडे इलाकों के लिए ज़्यादा बेहतर है. एंड देन समटाइम्स हमें चीज़ों का इस्तेमाल करना भी नहीं आता. तो वो आपने, इट डजंट मैटर, दुनिया का बेहतरीन ब्रांड्स ला के रख दें किसी के सामने, लेकिन अगर इस्तेमाल नहीं करना आता तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है. जैसे मेकअप में आप देख लो, एवरी मेकअप इज़ डिफरेंट. कुछ ऑयल बेस्ड हैं, कुछ वाटर बेस्ड हैं, यू नो, डिपेंडिंग ऑन द वेदर आपको वो यूज़ करने हैं, किस किस्म की आपकी स्किन है उसके अकॉर्डिंगली आपको यूज़ करना है. अगर आप एक ऑयल बेस्ड जो है ह्यूमिडिटी में लगा लोगे तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग ब्यूटिफुल यू लुक हॉरिबल. सो जस्ट लाइक दैट स्किन केयर में भी यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू गेट अ प्रोडक्ट एंड यू हैव टू यूज़ अ प्रोडक्ट विच सूट्स यू. बिल्कुल. एंड विच गिव्स यू वॉट यू वॉन्ट, अ ब्यूटिफुल स्किन. Right? So you have to match the skin to the product. That's it. That's important. Skin is the most important thing, Mona. I think to look beautiful, because aap pehla jo wo effect aata hai wo aapki skin ko hi upar hi nazar jaati hai. Bilkul. So it has to be, you know, very clean, very clear. बिल्कुल, दैट्स ट्रू. और जितनी अच्छी स्किन होगी उसके ऊपर आप मेकअप लगाएंगे तो और अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी. बल्कि अगर स्किन अच्छी नहीं होगी तो ज़्यादा एफर्ट सिर्फ कंसील करने में लग जाता है. हाँ, कंसीलर पहले ख़त्म हो जाएगा क्योंकि डार्क सर्कल्स स्पॉट्स वगैरह कंसील कर रहे होंगे आप लोग, और उसकी जो अपनी नेचुरल ग्लो है वो तो यू नो यू टू वो ट्राई कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाएं और मेकअप के थ्रू करें, क्योंकि स्किन में वो है नहीं. बस आपको अपनी स्किन को खुद थोड़ा सा समझ आ जानी चाहिए विद टाइम, एंड यू कैन लुक, you can have beautiful skin. Thank you so much for being here and hope to see you on every Sunday for these good tips. Thank you for having me, Nadia, and I will try my best ke up viewers ko wo jawab doon jo ke unko zarurat hai. Thank you so much, viewers. Thank you. Assalamu alaikum, main hu Mona Gul aur aaj hum discuss karenge hydration and Ramzan. जैसे कि हमें पता है कि रमज़ान में हम पानी कम पी रहे होते हैं और रोज़ा भी इतना लंबा है कि हम चाहें भी तो हम पानी बहुत ज़्यादा नहीं पी सकते. मैं भी जब रोज़ा खोलती हूँ तो एक एक गिलास गिन रही होती हूँ कि अच्छा मैंने 3 गिलास पी लिए और अब मैं 4 गिलास पी रही हूँ, और कोशिश होती है कि पानी पिए, लेकिन वो एक ऐसा सफ़र है जो कि नामुमकिन होता है क्योंकि हम एक लिमिटेड पानी ही पी सकते हैं. सो फिर हमारी स्किन पे जो डिहाइड्रेशन हो रही है, जो हम लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि हम स्माइल कर रहे हैं और स्किन खिंची हुई फील हो रही है, तो वो हम किस तरह से उसको फाइट करेंगे. हाइड्रेशन जो है ये इसका ताल्लुक पानी पीने से भी है, लेकिन इसका साथ में ताल्लुक जो है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी है. हम जब अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं अंदर से भी और बाहर से भी, तो फिर ही हमें पूरी एक हाइड्रेशन मिल जाती है. हाइड्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप कम से कम दिन में 2 दफ़ा अपनी स्किन को ज़रूर मॉइस्चराइज़ करें, और मॉइस्चराइज़ करने का असूल यह है कि स्किन जो है वो ड्राई होनी चाहिए. आप स्किन को क्लीन करें, उसके बाद स्किन को पूरी तरह से ड्राई करें, पैट करें ड्राई, और फिर उसके ऊपर आप अपना पहले तो सिरम लगाएं हाइड्रेशन का. हाइड्रेशन का सिरम लगाने के बाद उसको अच्छी तरह से स्किन पर लगा के पेनेट्रेट करें, और सिरम्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन के अंदर, क्योंकि उनका मॉलिक्यूल बहुत लाइट होता है, वो सरफेस पे नहीं रहते, वो अंदर से ही हमारी स्किन को हाइड्रेट करते हैं. तो वो अंदर से हमारी स्किन को हाइड्रेट करेंगे, और फिर आप उसके साथ एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम जब लगाएंगे तो वो आपकी सरफेस को हाइड्रेट करेगी. सो जब सरफेस भी हाइड्रेट होगी और सिरम अंदर से भी हाइड्रेट कर रहा होगा, तो आपकी स्किन पूरी तरह से हाइड्रेशन मोड में आ जाएगी. और हाइड्रेशन क्रीम्स भी बहुत तरह की होती हैं. बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि गर्मी है, हमें मुंह पे पसीना आ रहा है, हमने कोई हैवी क्रीम नहीं लगानी, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप गर्मियों में वाटर बेस्ड क्रीम्स लगाएं, क्योंकि वाटर बेस्ड क्रीम्स जो हैं वो उनका जो नाम बता रहा है कि उनकी बेस पानी की होती है, तो वो बहुत आसानी से हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर जाती हैं.
जब हमारी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती हैं तो हमारी स्किन को हाइड्रेशन पानी देती हैं और हमारी सेल्स को बाइंड कर लेती हैं साथ में, कि वो हाइड्रेटेड रहे बहुत लंबे अरसे तक। सो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें, समर्स में ऑयल बेस्ड ना करें, और अपनी स्किन को दिन में कम से कम रात को सोते वक्त आपने हाइड्रेट करना है और सुबह उठते वक्त आपने करना है। रमज़ान में चूँकि हम लोग वज़ू ज़्यादा कर रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि कोशिश करें कि आप अपना हाइड्रेशन बढ़ा लें, क्योंकि पानी तो आप उतना ही पी रहे हैं जितना आप पी सकते हैं, और आपके पास एक टाइम है जिसके अंदर आपने पानी पीना है, ठीक है। सो आप अपनी हाइड्रेशन को बढ़ा लें, आप अपनी हाइड्रेशन 3 से 4 दफ़ा कर लें स्किन दिन में, ताकि आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहे और आपकी जो खिंची हुई फील कर रही है स्किन, जो स्माइल कर रहे हैं और खिंच रही है, वो वाले सेंसेशन आपका बेहतर हो जाएगा। आपको लगता है कि स्किन कहीं से फ्लेक कर रही होती है, हम देखते हैं नोज़ के आसपास, यहाँ पे लाफ लाइंस के पास, कभी कभी हमारी स्किन जो है वो फ्लेक करना शुरू कर देती है। स्किन की हाइड्रेशन का एक सबसे बड़ा सूल ये है कि जब आप अपना मुंह धोएंगे उसके बाद आपने अपनी स्किन को ड्राई करना है, और बेहतर है कि किसी टॉवल के साथ ना करें, क्योंकि टॉवल्स जो है वो जर्म्स होल्ड करते हैं। टिश्यू लें और अपनी स्किन को अच्छी तरह से पैट ड्राई करें। क्यों इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पानी अपनी स्किन पे छोड़ देंगे तो वो माहौल के साथ इवेपोरेट हो जाएगा पानी, और आपकी स्किन मज़ीद डिहाइड्रेट फील होगी। अगर और दूसरी बात यह है कि अगर आपने पानी छोड़ दिया और उसके ऊपर ही आपने कोई क्रीम लगा दी या सिरम लगाया स्किन के ऊपर, तो वो तो डाइल्यूट हो जाएगा, उसका जो अपना असर है वो कम हो जाएगा। सो बेहतर है कि आप सबसे पहले अपनी स्किन को, एक तो क्लीन हो आपकी स्किन, उसको अच्छी तरह से पैट ड्राई करें, उसके ऊपर सबसे पहले सिरम लगाएं और फिर क्रीम लगाएं सिरम को पेनेट्रेट करने के बाद, और क्रीम इतनी कि अच्छी तरह से आपकी स्किन पे पेनेट्रेट हो जाए और सरफेस पे वो ना रहे। आप लोग अपनी आई का, हम लोग कंप्लेन करते हैं कि आई के गिर्द भी डिहाइड्रेशन फील होती है, आईज ड्राई फील होती हैं, लाइंस जल्दी आ रही होती हैं। क्यों? क्योंकि आई का जो एरिया है ये भी डिहाइड्रेट हो जाता है, और आई की जो स्किन है उसकी लेयर्स जो है बाकी फेस से कम है, इसकी ज़्यादा हमें फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि आईज हमारी साइन ऑफ एजिंग शो भी कर देती हैं। सो आई की हाइड्रेशन के लिए आपने आई क्रीम यूज़ करनी है। आई क्रीम्स आपने लिड्स पे लगाते हुए आई को पूरा एरिया कवर करना है। कोशिश करें बहुत करीब आई के ना जाएं, ताकि आप जब लैशेस ब्लिंक करेंगे तो क्रीम आंखों में जाएगी तो इरिटेट करेगी। सो अपने आई बोन तक, यहाँ तक क्रीम लगाएं एंड ऊपर लिड्स पे लगाएं। आप अंदर की तरफ एंड बाहर की तरफ दोनों मूवमेंट्स कर सकते हैं। जब आप बाहर की तरफ करते हैं तो हम पफिनेस की आईज़ को निकाल रहे होते हैं, और जब आप अंदर की तरफ मूवमेंट्स करते हैं तो ये मूवमेंट्स जो हैं ये रिंकल्स के अगेंस्ट वर्क कर रही होती हैं। सो आई वुड सजेस्ट के दोनों तरफ से आप लोग अपनी मूवमेंट्स आईज की रखें, ताकि आप अपनी आई का एरिया पूरी तरह से अच्छी तरह कवर करें। सो आई की हाइड्रेशन, फेस की हाइड्रेशन एंड नेक की भी हाइड्रेशन जो है वो बहुत पुअर हो जाती है, और नेक भी बड़ी जल्दी ड्राई हो जाती है, क्योंकि बहुत दफ़ा लोग भूल जाते हैं कि नेक भी उनकी बॉडी का एक हिस्सा है और फेस का हिस्सा है जो शो होता है, और उसका ख्याल नहीं करते। बहुत से लोग कहते हैं हम वॉश करना भी भूल जाते हैं, नेक पर हम इतना ध्यान नहीं देते, या हम अपनी नेक पे कोई क्रीम नहीं लगाते। गलत करते हैं। आप जो क्रीम फेस पे लगा रहे हैं कम से कम वो ज़रूर अपने नेक पे लगाएं, क्योंकि जब आप अपने नेक के इस एरिया पे क्रीम लगाएंगे तो ये भी हाइड्रेटेड रहेगा। जब स्किन हाइड्रेटेड रहती है तो रिंकल्स भी कम पड़ते हैं उस पर, लेकिन जब डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है हद से ज़्यादा, तो फिर आप देखते हैं कि लाइन्स पड़नी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों की प्री मच्योर एजिंग हो जाती है, और वो प्री मच्योर एजिंग जो है वो हाइड्रेशन की वजह से होती है, कि स्किन की हाइड्रेशन पुअर है और स्किन जो है अब वो डिहाइड्रेटेड हो गई है। तो डिहाइड्रेटेड स्किन वो है जिसमें पानी की कमी होती है। हाइड्रेशन हमेशा पानी से लिंक्ड है। पानी पीना, स्किन के ऊपर प्रोडक्ट सही लगाना, स्किन को प्रोटेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ जो हमारी स्किन को डिहाइड्रेट करती है वो है सन। जब हम धूप में जाते हैं, वॉक कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स प्ले कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए या छोड़ने के लिए, तो हमारा धूप से एक्सपोजर हो रहा होता है। धूप से एक्सपोजर क्या करेगा? धूप हमारी स्किन को ड्राई कर देता है, उसको अगर बहुत लंबा एक्सपोजर हो हमारा धूप से तो स्किन को बर्न भी कर सकता है। ज़रूरी है कि जब हम धूप में जाएँ तो हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके जाएँ, अपनी क्रीम्स लगाई हुई हों और हम सनब्लॉक लगाएँ। उससे क्या होगा कि हमारी स्किन जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी,
सूरज जो है वो हमारी स्किन को डिहाइड्रेट नहीं करेगा। इसकी बहुत अच्छी एक मिसाल है आसान समझने के लिए कि अगर आप एक पानी का प्याला बाहर रखें तो आप देखें कि कुछ दिन में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा पानी, और जो प्याला है उसमें क्रैक्स पड़ने लग जाएंगे। सो सूरज ये करती है हमारे साथ, सूरज आपका पानी सारा ख़त्म कर लेती है स्किन से, और अगर आप स्किन को हाइड्रेट नहीं करेंगे तो स्किन डिहाइड्रेट इस लेवल पे हो जाएगी कि स्किन के अंदर लाइंस बननी शुरू हो जाएंगे। सो अगर आप अपनी स्किन से प्यार करते हैं तो स्किन को हाइड्रेट करें, और हाइड्रेशन से ही आपकी स्किन फ्रेश लगेगी, उस पर एक हेल्दी लुक आएगी, और रिंकल्स को भी आप प्रिवेंट कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टुडे।